तो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ये बता रहे हैं कि पहले कैसे 200 के हिसाब से केसेस सामने आते थे, लेकिन 200 से ये आंकड़ा एक दिन का बढ़कर हो गया है 5000 के पार। तो आप अंदाजा लगाइए कि स्थिति इस वक्त कितनी चिंताजनक बनी हुई है। राजधानी का हाल हमने आपको दिखाया, लेकिन राजधानी से ही रखते उत्तर प्रदेश की भी परिस्थितियां आप देखिए, केसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं। दिल्ली का तो हमने आपको हाल दिखाया ही, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी हालात बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। पर भारत के नक्शे पर इस वक्त आप जो ये 11 राज्य देख रहे हैं, यहां पर हालात सबसे ज्यादा इस वक्त खराब हैं, क्योंकि आंकड़े यहां तेजी से बढ़े हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, अगर इन्हीं के आंकड़ों को, मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल कर लीजिए, अगर इन्हीं के आंकड़ों को आप जोड़ दें तो टोटल जो केसेस आ रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं राज्यों का है। और यही वजह है कि यहां पर फैसले जो हैं सरकारों के, वो नाइट कर्फ्यू से लेकर वीकेंड्स पर जिस तरह की कर्फ्यू की स्थिति है, वो सब फैसले लेने पड़े हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरह के हालात हैं, इस पर क्या जानकारी दे रहे हैं मंत्री सुरेश खन्ना, सुनिए। कोरोना की जो केसेस में वृद्धि हुई है वो निश्चित रूप से चिंता की बात है, और हम बार बार कहते रहे हैं, प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको विशेष रूप से बलपूर्वक इस बात पर कहते रहे हैं कि हर हालत में सरकारी निर्देशों का पालन किया जाए, मास्क का प्रयोग और फिजिकल डिस्टेंसिंग को जरूर मेंटेन किया जाए, इस पर बार बार बल दिया जाता रहा। लेकिन इधर हाल के दिनों में ये देखा गया कि इसमें काफ़ी कुछ लापरवाही बरत, और वो भी इस कोरोना के केसेस की वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण है हमारी लापरवाही। हम उसके प्रति पूरे सतर्क न रहे, इस वजह से भी केसेस। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।